स्कूल खोलो शिक्षा बचाओ, स्कूल खोलो शिक्षा बचाओ, भारत माता की जय, भारत माता। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। देश और प्रदेश सरकार के लिए जहां एक और किसान आंदोलन सिरदर्द बना हुआ है, वहीं आज दक्षिण हरियाणा जिलों के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूल खोलने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि सरकार ने 4 जनवरी तक कोई फैसला नहीं लिया तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तमाम 22 जिलों के प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ निर्णय लेकर बड़ा कदम उठाएगा। स्वागत जिंदगी के लिए जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। हालातों में है प्राइवेट एसोसिएशन के जो स्कूल संचालक हैं और अब किस स्थिति में आ चुके हैं, कैसे सरकार का आमने सामना करेंगे? संचालक की आर्थिक स्थिति तो बहुत ही खराब है, लेकिन संचालक केवल आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख के नहीं, जो स्कूलों के अंदर देश का भविष्य है जिसको हम शिक्षा दे रहे हैं, हमें चिंता केवल उस देश के भविष्य की चिंता है, ना कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति तो हमने देखना है कि हम पहले जो थोड़ी सुविधा हम ज्यादा थी, अब थोड़ा सा कम में अपना गुजारा कर रहे हैं। आमने सामने की स्थिति में है अध्यापक और शिक्षक विभाग, टकराव की स्थिति में कुछ नहीं है। शिक्षक और वो टकराव क्यों करेंगे? चार तारीख को बोला ना स्कूल खोलने, टकराव नहीं है, ये टकराव की बात नहीं है, ये तो देश के भविष्य को जो सुधारने की बात है। आज बच्चों के जो है पढ़ाई के कितना नुकसान हो रहा है ये शिक्षक अच्छी तरह से समझ पा रहा है। मैं चंद्रसेन शर्मा, बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रधान, आपके चैनलों के, आपके सभी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज डीसी साहब के माध्यम से शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम हमने अपना ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में सरकार से हमने ये अर्ज की है कि पहली क्लास से आठवीं क्लास तक के भी स्कूल खोले जाएं। इसलिए अर्ज किया है कि पहले हमने ज्ञापन दिया था तो सरकार ने नौवीं क्लास से बारहवीं तक के हमारे स्कूल खोल दिए गए थे। आज हम चाहते हैं कि बच्चों का 10 महीने से जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे उसके माध्यम से उतना रिविजन नहीं हो पाया। यदि 2 महीने 3 महीने इस सेशन में जनवरी फरवरी में स्कूल खोल दिए जाए तो इनका रिविजन हो जाएगा, अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे और ये अगली क्लासों में जा पाएंगे। जिले के जो है यहाँ पे शिक्षाविद इकट्ठे हुए थे, कौन कौन लोग हैं जो कहाँ कहाँ से आए, थोड़ा बताओ। देखिए, आज इस एसोसिएशन बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के माध्यम से हमने 26 तारीख को एक कॉल दी थी जिसमें मेवात, नुहू, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांव सभी जिलों में ये ज्ञापन दिया जा रहा है और आज फरीदाबाद के माध्यम से सभी फरीदाबाद के शिक्षाविद, चाहे वो हरियाणा बोर्ड से हैं चाहे वो CBSE बोर्ड से हैं, सभी मेरे शिक्षाविद लगभग 200 की संख्या में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोग यहाँ आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से कि ये सब सरकार का नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं, राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं, जो सरकार को शिक्षा देनी चाहिए वो ये काम करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों के भविष्य को, पेरेंट्स को भी, सरकार स्कूल नहीं मानती है तो उसमें सोशल डिस्टेंस वगैरह यूज फॉलो कर पाएंगे उसका हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे सभी स्कूल संचालक पहले से ही सारे बच्चों को सैनिटाइज करते हैं, विद्यालय को सैनिटाइज करते हैं, आने जाने का पूरा ध्यान रखा जाता है, लंच नहीं होता है, 2-3 घंटे के लिए बच्चे आते हैं। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, बहुत मेरा अच्छा मीडिया है फरीदाबाद का, कि पिछली मीटिंग में कहा था कि किसी प्राइवेट स्कूल में ये हमारा सौभाग्य कि कोई एक केस पॉजिटिव नहीं निकला, तो हम आपसे ये आग्रह करते हैं। आपकी बात नहीं मानती है, सरकार बात नहीं मानती है तो क्या निर्णय लिया जाएगा स्कूल एसोसिएशन की ओर से, या बिल आप जो है मजबूर हो जाएंगे स्कूल खोलने के लिए, क्या ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा? देखिए, आज हमने 4 तारीख की डेडलाइन इसमें दी है, अपील की है सरकार से और 6 जिलों के जो हमारे एसोसिएशन के प्रतिनिधि है वो यही बात रख रहे हैं, एक सा ही ज्ञापन है कि सरकार 4 तारीख से 4 जनवरी से हमारे स्कूलों को खोले और यदि इसमें कहीं सरकार की तरफ से कोताही रही तो हम 4 तारीख के बाद, अभी 6 थे और 22 जिलों की एक संयुक्त मीटिंग बुला करके और किसी भी अगले स्टेप के लिए घोषणा करेंगे और इन स्कूलों के खोलने पर विचार करेंगे।